अध्याय 14 है। जो विश्वास में निर्बल हैं, उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिया करें या मरें, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं और जीवतों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अतएव आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीही मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर, अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीही की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वो जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है।